नमस्कार, एनसीआर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। फरीदाबाद में चल रहे सफाई सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन लाने के लिए इको ग्रीन ने कमर कस ली है। इको ग्रीन कंपनी ने फरीदाबाद के डबुआ ट्रांसफर स्टेशन में स्वच्छता बैठक का आयोजन किया और जो कंपनियां संस्थान बार बार समझाने के बाद भी सड़कों पर कूड़ा फैलाने से बाज नहीं आ रही है, इको ग्रीन कंपनी ऐसे संस्थान और कंपनी मालिकों की लिस्ट तैयार करके नगर निगम को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए देगी। और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो कूड़े को गाड़ियों में ही डाले ताकि जो शहर में कूड़ा डालने के लिए खेत में बनाए गए हैं उनकी संख्या को भी कम किया जा सके। यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो उद्देश्य यही होता है कि जो भी हमारा रोज़मर्रा का काम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग, जो भी कमी रह गई है उसकी प्लानिंग, और जो भी हमको जनता से सहयोग चाहिए या नगर निगम से सहयोग चाहिए तो हम नगर निगम के दफ्तरों में भी जाते हैं, मिलते हैं, सहायता मांगते हैं, सभी से सहायता मांगते हैं। कितना कूड़ा पड़े उठा रहे हैं आप फरीदाबाद से? जी, कूड़े का क्वांटिटी बिल्कुल ऐसा है कि एक ही दिन एक क्वांटिटी नहीं आती है, फिर भी तो वो डिफर करती है 600 से 700 टन। देखिए, जो वो जन चेतना है ना, वो दिल से आएगी तभी आएगी जब हम सब अपना शहर समझ के काम करेंगे। आपने प्रश्न पूछा कि जगह जगह कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, मैं सिर्फ इको ग्रीन एनर्जी के लिहाज से बात करना चाहूँगा। हमारा जो भी मैंडेट है, जो भी हमको कार्य सौंपा गया है, वो हम करते हैं। उसी तरीके से नगर निगम का सैनिटेशन का भी डिपार्टमेंट है जो कि रोड स्वीपिंग से रिलेटेड है, और इन दोनों के बाद भी एक गैप बच जाता है जो कि सिर्फ जनता की जागरूकता से ही ख़त्म हो सकता है। उसको हटाने के लिए इको ग्रीन ने, नगर निगम ने बहुत सारी आईसी एक्टिविटीज़ करी हैं और हम हर कोना फरीदाबाद का टच कर चुके हैं नगर निगम के साथ मिलके। डेविड है जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से, और हमारे मिस्टर गौरव जोशी चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हैं जो इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। गौरव जोशी जी हमारे फरीदाबाद और ज्वाइंट गुड़गांव का काम देख रहे हैं। इनका उद्देश्य ये सिर्फ और सिर्फ जो मेन बेसिकली सफाई से रिलेटेड, और इन्हीं के लिए मतलब अवेयरनेस के लिए भी है और उसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में करने के लिए, बेस कूड़े को वेस्टेजेस के प्रोग्राम को कैसे प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में लेकर आए। इनकी डेली की तो नहीं कह सकता मैं, बट वीकली रूटीन विजिट है ये।